डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेसिपरेटिंग एयर कंप्रेसर की प्रॉब्लम विद द क्लियरेंस वॉल्यूम। यहां प्रॉब्लम में दिया हुआ है सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिपरेटिंग एयर कंप्रेसर, जिसमें कि बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें यहां पे काम करना है। सबसे पहले जो डेटा दिया है, सक्शन एयर प्रेशर 1 bar, सक्शन एयर टेम्परेचर 27 degree centigrade, डिलीवरी प्रेशर जिस प्रेशर पे एयर को डिलीवर करना है दैट इज कॉल्ड द 6 bar, लेंथ ऑफ स्ट्रोक दी है 300 mm, जो कि सिलेंडर का डायमेंशन का एक पार्ट होता है, बोर ऑफ द सिलेंडर जिसे कि सिलेंडर का डायमीटर बोलते हैं 200 mm दिया है, स्पीड ऑफ कंप्रेशन जो है 540 आरपीएम है ये दिया है जिस स्पीड पे कंप्रेसर चल रहा है, क्लीयरेंस वॉल्यूम 4% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है, जैसे कि हम बीसी इज इक्वल टू 4% ऑफ वीएसवी बोल सकते हैं। कंप्रेशन की जो प्रोसेस हो रही है कंप्रेसर के अंदर वो दी हुई है पीवी टू पावर 1.2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये डेटा जो है दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर के द्वारा कितना काम लिया गया। दूसरा डेटा अपने कैलकुलेट करना है कि पावर रिक्वायर्ड कितनी हो रही है कंप्रेसर को चलाने के लिए। तीसरा है मीन इफेक्टिव प्रेशर, उस कंप्रेसर के अंदर जो भी वर्किंग हो रही थी उसकी एक जो प्रेशर की वैल्यू थी उसकी मीन वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले डेटा गिवन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, P1 की वैल्यू दी हुई है 1 bar, जैसे कि हमने चेंज कर दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद डिलीवरी प्रेशर, जिस प्रेशर पे एयर सप्लाई होती है उसका वैल्यू दी हुई है 6 bar, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है 6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। T1 की वैल्यू एटमोसफेयर की जो टेम्परेचर रहता है वो दिया हुआ है 27 degree centigrade। अब चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो 273 से हमने यहाँ पे ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल ली है, 300 केल्विन निकल के आई है। फिर उसका सिलेंडर का जो डायमेंशन है लेंथ दी हुई है 300 mm, तो उसको हमने चेंज कर लिया है 0.3 meter में। दूसरा सिलेंडर का डायमेंशन डायमीटर दिया हुआ है, सिलेंडर डायमीटर 200 mm, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। एन की वैल्यू जो कि स्पीड ऑफ कंप्रेसर है ये 540 आरपीएम है दिया हुआ है, जो VC है क्लियरेंस वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, दिस इज द 4% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ये 4% है स्ट्रोक वॉल्यूम का। N की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है, 1.2 दी हुई है यहाँ पे। तो इस डेटा गिवन के हिसाब से हमें जो निकालना है वो पहला है वर्क डन, कि वर्क डन कितना किया कंप्रेसर ने विथ क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ में। अब चूंकि कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग है क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, तो इसके लिए वर्क डन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो अलग रहेगी। पावर रिक्वायर्ड कितना है ये हमें देखना है, तो पावर रिक्वायर्ड जो रहेगा वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो स्पीड को मल्टीप्लाई यदि वर्क डन से करेंगे तो हमारी पावर निकल के आ जाएगी, ये जरूरत पड़ेगी कंप्रेसर को चलाने के लिए। तीसरा है मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द कंप्रेसर, जब कंप्रेसर को हम चला रहे हैं तो उसमें जो भी प्रोसेस हो रही है, जैसे कि कंप्रेशन हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, फिर एक्सपांशन हो रहा है और सक्शन हो रहा है, ये चारों प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कितनी इफेक्टिव है वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप पीवी डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है पीवी डायग्राम, इसमें आपको V1 की वैल्यू जो कि VC प्लस VS के बराबर है वो दी हुई है, V2 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी वैल्यू निकालेंगे ये इसके बारे में बताया गया है, जो कंप्रेशन और एक्सपांशन की प्रोसेस हो रही है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि पीवी टू पावर एन इज इक्वल टू सी को फॉलो कर रहा है, क्लियरेंस वॉल्यूम अलग से दिखाया गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम अलग से दिखाया गया है। तो जो हमें फार्मूले इस्तेमाल करने हैं वो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम का है, स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर पाई बाई 4 D² × L होता है, ये पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद इनलेट वॉल्यूम ऑफ एयर को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला रहता है दैट इज कॉल्ड V1 = VS + VC, तो VC जो कि 4% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो V1 VS प्लस VC के बराबर है, VS जो है सिलेंडर डायमेंशन के डिपेंड करता है और VC आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा जो है क्लियरेंस वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है, V4 = VC × P2/P1⁻¹। जो वर्क डन विद क्लियरेंस वॉल्यूम निकालना है उसके लिए वर्क डन इज इक्वल टू W(n/n-1) P1 × V1 - V4 (P2/P1)¹¹₁ का फार्मूला इस्तेमाल करना है। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर, इसके लिए फार्मूला जो होता है
डब्ल्यू जो कि वर्क डन निकल गया है और स्पीड जो कि कंप्रेसर की दी हुई है डिवाइड बाई 60 करेंगे तो उससे हमें पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर निकल जाएगा। फिर फाइनली जो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है उसके लिए जो फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम, तो जो वर्क डन निकल के आया है विद द क्लियरेंस वॉल्यूम उसको लिखना है, उसकी वैल्यू को नोट डाउन करना है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि सिलेंडर डायमेंशन पर डिपेंड था उसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो करना है अपने को वीएस के लिए करना है। वीएस इज इक्वल टू होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, डी की वैल्यू यहाँ पे 0.2 डी है तो डी स्क्वायर है तो 0.2 का स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू जो है 0.3, तो यहां से वीएस की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ये निकल के आ रही है वैल्यू 0.00942 मीटर क्यूब, ये वीएस की वैल्यू आ गई जैसे कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इसी तरीके से वीसी जो है ये 4% ऑफ वीएस दिया है क्वेश्चन में, तो वीसी की जो वैल्यू निकल के आएगी 0.04, 4% का मतलब 0.04 मल्टीप्लाई बाई वी एस जो था अपने पास 0.00942, ये वैल्यू निकल के आएगी वीसी की 0.00037 मीटर क्यूब, वीसी की वैल्यू आ गई है। अब जो वी वन है टोटल वॉल्यूम जो है ये वीसी प्लस वी एस से मिलके बना है, तो वीसी की वैल्यू जो थी वो 0.00037 प्लस जो वी एस की वैल्यू है ये निकल के आई है 0.00942, तो जो टोटल वॉल्यूम है वी वन इसको हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 0.00979 मीटर क्यूब, ये वैल्यू निकल के आ रही है वी वन की। तो वी वन को निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। इसी तरीके से वी फोर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला रहेगा वी फोर इज इक्वल टू वी सी इंटू पी टू बाई पी वन टू द पावर 1/n, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो वी सी अपने पास आया था 0.0037, तो यहां पे इसको पुटअप कर देंगे 0.0037 मल्टीप्लाई बाई पी टू जो दिया हुआ है वो 6 बार दिया है, जो पी वन दिया है वो 1 बार दिया है टू द पावर 1/n यानी कि 1.2, तो यहां से वी फोर की वैल्यू निकल के आएगी जो कि 0.00164 मीटर क्यूब निकल के आ रही है, ये वी फोर हो गया। अब वर्क डन निकाल लेंगे तो वर्क डन के लिए जो फार्मूला लगेगा n/n-1 पी वन ब्रैकेट में वी वन माइनस ऑफ वी फोर, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम यहां पे दिया है इसलिए वी वन माइनस ऑफ वी फोर होगा मल्टीप्लाई बाई पी टू बाई पी वन की पावर n-1/n-1, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब n की वैल्यू अपने पास दी हुई है 1.2, इसको यहां पे रख देंगे 1.2, 1.2 माइनस ऑफ 1, पी वन जो है 1 × 10^5 मल्टीप्लाई बाई वी वन की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आई थी 0.00979 माइनस ऑफ वी फोर जो निकल के आया है वो है 0.00037 मल्टीप्लाई बाई पी टू, ये है 6/1 पी टू बाई पी वन है 1.2 माइनस ऑफ 1 एन माइनस 1 की जगह 1.2, तो यहां से जो वर्क डन निकल के आएगा वो वैल्यू आ रही है 1701 न्यूटन मीटर, जिसे कि हम जूल भी लिखते हैं। तो ये पहला आपका जो आंसर था वो आ गया है कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है। दूसरा कितनी पावर रिक्वायर्ड है उसके लिए फार्मूला लगा देंगे, तो पावर रिक्वायर्ड कंप्रेसर को चलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी इसके लिए फार्मूला रहता है W इंटू एन डब्ल्यू बाई 60, क्योंकि वर्क डन आपका ऑलरेडी यहां पे आ चुका है तो वर्क डन की वैल्यू पुट अप कर देंगे।
अब सिंगल एक्टिंग है तो सिंगल एक्टिंग के हिसाब से ये जो स्पीड है वो है 540 बाई 60। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 15.309 किलोवाट में निकल आएगी। तीसरा जो आपको निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसे कि हम पीएम से शो करते हैं, और पीएम इज इक्वल टू होता है फार्मूला जितना भी वर्क डन किया गया है डिवाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वर्क डन अपने पास 1701 है न्यूटन मीटर, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो यहां पे दिया हुआ 0.00942 मीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन करने के बाद पीएम की जो मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू है वो निकल के आएगी 180573 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को यदि हमें बार में चेंज करना है तो लिख सकते हैं 1.80 बार। तो पहला आपने निकाला था वर्क डन, ये एक आंसर आ गया। दूसरा आपने निकाला पावर रिक्वायर्ड, ये एक आंसर आ गया। तीसरा आपने निकाला मीन इफेक्टिव प्रेशर, एक ये आंसर आ गया।